शहर में 9 दिवसीय संगीतमय श्रीमद भागवत कथा के आयोजन को लेकर सहनाई गार्डन में हुई बैठक कथा संयोजक राजेंद्र तिवारी ने पत्रकार वार्ता में दी मीडिया को जानकारी। टीकमगढ़ नगर में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 25 फरवरी से 5 मार्च तक होने वाली 9 दिवसीय श्री राम कथा बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज श्री राम कथा सुनाएंगे। समारोह की तैयारियों को लेकर शनिवार को सहनाई गार्डन में बैठक का आयोजन किया गया। कथा के संयोजक भाजपा नेता राजेंद्र तिवारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि समारोह के पहले दिन कलश यात्रा निकाली जाएगी। श्री राम कथा के उपलक्ष्य में आयोजित बैठक की शुरुआत हनुमान चालीसा पाठ और कन्या पूजन के साथ की गई। 25 फरवरी को पहले दिन धूमधाम से कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष जनवरी माह में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज की कथा का आयोजन नजरबाग मैदान में हुआ था। पिछले साल श्रद्धालुओं की अधिक संख्या के चलते कथा स्थल छोटा पड़ गया था, इसलिए इस बार गंजी खाना स्टेडियम और डोंगा मैदान को श्री राम कथा के लिए चिन्हित किया गया है। दोनों स्थानों की स्वीकृति के लिए प्रशासन को आवेदन सौंपा गया है। अब प्रशासन जहां के लिए अनुमति देगा वहां कथा की तैयारियां शुरू की जाएंगी। बैठक के दौरान धार्मिक अनुष्ठान को सफल बनाने के लिए लोगों से सुझाव मांगे गए। अलग अलग समितियों का गठन करने की रूपरेखा बनाई गई। आज प्रथम बैठक है जिसमें आप सभी लोग पधारे हैं और हमारे बागेश्वर धाम शिष्य मंडल के सभी साथी भी आए हैं। पूज्य गुरुदेव धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री जी गुरुदेव की आज्ञा 25 फरवरी से 5 मार्च के मध्य 9 दिवसीय श्री राम कथा का गुरुदेव के मुखारविंद से हम लोग धार्मिक आयोजन का श्रवण करेंगे। और ये कथा के संबंध में पिछले बार भी पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि किसी बड़े स्थान पर कथा का आयोजन किया जाए। हम और हमारी समिति प्रयास कर रही है, हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम बड़े मैदान के लिए परमिशन लें। उस आधार पर हमने नारायणदास खरे स्टेडियम हॉकी मैदान की हमने प्रशासन से अनुमति के लिए अपना आवेदन दिया है। उन्होंने भी थाना कोतवाली नगर पालिका और अन्य संस्थाओं से उन्होंने अभिमत मांगे। एक दो दिन में उनके अभिमत प्राप्त होने पर कलेक्टर महोदय और अनुविभागीय अधिकारी महोदय हमें अपनी प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार हमें अनुमति प्रदान करेंगे और उसी आधार पर जो वो अनुमति देंगे उसी गाइडलाइन का पालन हम और हमारी समिति करेंगे। कितने तारीख से कार्यक्रम? 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन है। जो स्थान सुनिश्चित हमें प्रशासन देता है उस आयोजन बहुत भव्य रूप में हम हमारी समिति करने का प्रयास करेंगे।